भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित एक भव्य एयर शो के दौरान लाखों लोग फंस गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 230 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनमें से एक की मौत तब हो चुकी थी जब उसे रोया पेटी सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था। वहीं एक अन्य व्यक्ति को कथित तौर पर अपनी बाइक चलाते समय सन स्ट्रोक हुआ था। बाइक सवार गोशा अस्पताल और वल्लाजा रोड को जोड़ने वाले हिस्से पर था और एक घंटे से अधिक समय तक ट्रैफिक में फंसा रहा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्वयं सेवकों ने उसकी स्थिति को पहचाना, क्योंकि वह वहीं फंसी हुई भीड़ के बीच नियंत्रण खो रहा था। उसे बाइक से उतरने में मदद की गई। वहीं एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम जांच के बाद ही हम मौत के कारण का सही पता लगा पाएंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें 15 लाख दर्शक जुटने का लक्ष्य रखा गया था, जो प्रबंधनीय नहीं है। और चेन्नई सिटी पुलिस की खराब भीड़ और यातायात प्रबंधन, कार्यक्रम से पहले सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, बड़े पैमाने पर यातायात डायवर्जन और पार्किंग नियमों के साथ, लेकिन सुबह 11 बजे निर्धारित एयर शो के करीब भीड़ इतनी अधिक हो गई कि मरीना बीच रोड के साथ एलिवेटेड MRTS रेलवे स्टेशन लोगों के समुद्र में बदल गए। कार्यक्रम के बाद जब पूरी भीड़ तितर बितर होने लगी तो अराजकता फैल गई। बीच रोड पर हर इंच जगह भरी हुई दिखी। दर्शकों के क्षेत्र में पीने के पानी का कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। तापमान बढ़ने और सार्वजनिक परिवहन न होने के कारण सैकड़ों लोगों को सार्वजनिक वाहन लेने या अपने वाहन लेने के लिए जाम भरी सड़कों पर 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कई लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, थके हुए और निर्जलित होकर फुटपाथ पर बैठे हुए दिखाई दिए। कई लोग बेहोश हो गए, कई लोग थके हुए थे, उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। ज़मीन पर कोई प्रभावी पुलिस व्यवस्था न होने के कारण वाहन और दोपहिया वाहन बेतरतीब ढंग से दोनों तरफ घुस गए और ज़्यादातर सड़कों पर 2 घंटे से ज़्यादा समय तक फंसे रहे। वहीं कई पुलिसकर्मी अपने दोपहिया वाहनों पर वापस लौटने में व्यस्त थे, जो मूक दर्शक बन गए। उन्होंने ना तो स्थिति को नियंत्रित किया और ना ही फंसे हुए एम्बुलेंस की मदद के लिए हस्तक्षेप किया, जब तक कि लोगों ने हंगामा नहीं मचा दिया। सड़कों के किनारे पीने के पानी के स्टेशन नहीं थे। इन हिस्सों में ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें बंद थीं और जो दुकानें खुली थीं उनमें पानी और शीतल पेय जल्द ही खत्म हो गए। अपने 2 बच्चों को लेकर आई एक माँ ने कहा कि राज्य सरकार ने हमें निराश किया है, आयोजन स्थल या सड़कों पर कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। चेन्नई पुलिस ने सुरक्षा के लिए 6500 पुलिसकर्मी और 1500 होमगार्ड तैनात किए थे। यह स्पष्ट नहीं है कि तमिलनाडु सरकार, जिसकी संस्कृति सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सामूहिक समारोहों पर आपत्ति जताने की है, ने वायुसेना से अपनी चिंता व्यक्त की थी या नहीं और शो को बढ़ा चढ़ाकर पेश न करने की सलाह दी थी। स्वास्थ्य मंत्री माननीय सुब्रमण्यन ने एक बयान में कहा कि राज्य के मुख्य सचिव ने भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय बैठक की अध्यक्षता की थी और अन्य अधिकारियों ने कई बैठकें की थी। उन्होंने कहा कि IAF की मांगों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई थी। चेन्नई कॉरपोरेशन और मेट्रो वाटर ने भी पर्याप्त अस्थायी शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था की थी। बिना किसी स्रोत के एक अन्य नोट में दावा किया गया कि भीड़ में किसी की मौत नहीं हुई। कोई मौत भीड़ या कुप्रबंधन से संबंधित नहीं है। इस एयर शो में विशेष गरुड़ बल के कमांडो द्वारा एक नकली बचाव अभियान और बंधक को मुक्त कराने का प्रदर्शन भी शामिल था। इसमें 72 विमानों का प्रदर्शन भी किया गया, जिनमें राफेल, स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और हेरिटेज एयरक्राफ्ट डकोता शामिल थे। फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।